हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। सो आज हम कुमार पार्क बानेर का एक प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इसका एलिवेशन दिखा देता हूँ। ये इसका एलिवेशन है। ये प्रोजेक्ट 2 acres में डेवलप हो रहा है जिसमें 3 towers हैं, C1, C2, C3। अभी बिल्डर ने C1 लॉन्च किया है जिसमें 2 and 3 BHK के ऑप्शन है। 2 BHK के 3 variations हैं, 751, 765 एंड 788। सैम्पल फ्लैट में मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूंगा। एंड 3 BHK का एक सिंगल वेरिएशन है 1085 कारपेट। ये कॉर्नर का जो है, ये कॉर्नर के जो ऑप्शन है, ये आपका 3 BHK है और बाकी रेस्ट जो है आपका 2 BHK रहने वाला है। इसमें आप जैसा देख रहे हैं बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 levels का पार्किंग है। एंड देन उसके बाद आपका 25 levels का रेजिडेंशियल टावर है। 25 levels मतलब प्रोजेक्ट की हाइट की बात करूँ तो 31 floors के इक्विवेलेंट होगा। एमिनिटीज की बात करी जाए तो एमिनिटी ग्राउंड प्लस पोडियम प्लस टेरेस में इक्वली डिवाइडेड है। एंड आपका जो पूरा टेरेस है एमिनिटी की वजह से इंटरकनेक्टेड है। ये कुछ बेसिक डिटेल है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। इसकी बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारी बारीकियां हैं, उसके लिए आप विजिट कीजिए, आपको ऑन टेबल सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अब हम इसके सैम्पल फ्लैट को देखेंगे जो कि 765 कारपेट का है। एंड जैसा मैंने बताया 750 कारपेट एंड 788 कारपेट, उसका भी डिफरेंस मैं इसी फ्लैट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं सैम्पल फ्लैट देख। सो अब मैं आपको इसका 765 कारपेट का सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा और इसी को एक्सप्लेन करते वक्त इनके जो अदर दो वेरिएशन है 750 और 788 कारपेट, उसका भी डिफरेंस आपको इसी फ्लैट को दिखाते वक्त बता दूंगा। सबसे पहले आपको मैं इसका डोर का हाइट दिखाऊंगा विच इज 8 feet। बिल्डर आपको 8 feet के डोर का हाइट दे रहा है एज इट इज। और फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट रहेगी फ्लैट की वो प्रॉपर 10 feet की रहने वाली है, ना 9.9 ना 9.5, प्रॉपर 10 feet की रहेगी। अंदर मैं आपको इसकी स्पेशियस एंट्रेंस लॉबी दिखाना चाहूंगा। काफी स्पेशियस लॉबी है। लॉबी से लग करके जस्ट इसका किचन आ जाता है। तो किचन का एंट्री एग्जिट इन्होंने यहां से देके रखा है, बट ये कस्टमाइजेबल है, यानी कि आपका एंट्री एग्जिट लिविंग रूम की तरफ से भी हो सकता है। ये बिल्डर आपको करके देगा, आपको बिल्डर से इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो जैसा आपको पसंद है, अगर आपको एंट्री एग्जिट यहाँ से पसंद है जिससे आपको डाइनिंग स्पेस पूरा यूटिलाइज करने को मिलता है तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अगर आपको एंट्री एग्जिट उस तरफ से पसंद है और आपको एल शेप का लेआउट पसंद है, एल शेप का प्लेटफॉर्म पसंद है इंस्टेड ऑफ पैरेलल, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बिल्डर आपको ये ऑप्शन दे रहा है। अंदर आते हैं इसके किचन को समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट 15x8 का ये किचन साइज है, बट ये इनक्लोज बालकनी के साथ में है, तो ये 15x8 का आपको किचन पूरा यूटिलाइज करने को मिलता है इन पैरेलल प्लेटफॉर्म। बिल्डर ने काफी अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से आप कैबिनेट्स, ट्रॉलीज, रेफ्रिजरेटर इस तरफ में, सारे मॉडर्न अप्लायंसेस इस तरफ पे लग गए, इवन योर वॉशिंग मशीन इट कैन कम हियर, तो आपका पूरा स्पेस यूटिलाइज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वाटर इनलेट आउटलेट पाइप भी दिया है फॉर योर वॉशिंग मशीन। और इस तरफ में ये आपका प्लेटफॉर्म एज इट इज मिलता है अलॉन्ग विद स्टेनलेस स्टील सिंक। अब हम इसके लिविंग रूम को देख लेते हैं। तो किचन तो काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा लगा, लिविंग रूम समझते हैं लिविंग रूम कैसा है। 765 के कारपेट में ऑलमोस्ट 16x10.5 का लिविंग रूम है। लिविंग रूम के लिए 16x10.5 सफिशियंट होता है और इसको लग के ही इसका बालकनी आ जाता है। तो ये इसका बालकनी है, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपकी कवर्ड बालकनी रहने वाली है विथ दिस ग्रिल। तो आपको वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली क्या होता है, अगर वो ग्लास का होता है, टफिन ग्लास का, तो हवा जो है आपको नीचे से नहीं मिलती, ऊपर से ही मिलती है। तो यहाँ पे क्या, वेंटिलेशन काफी अच्छा रहता है। प्लस जो इनका डोर है बालकनी के लिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वॉल टू वॉल है, यानी कि ये पूरा ओपन हो जाता है। आप जैसा देख पा रहे हैं पूरा ओपन हो जाता है एंड इट कम्स विद मॉस्किटो मैश एज वेल। आपका घर काफी खुला खुला और ओपन सा लगता है, आपको ये बंद बंद सा नहीं लगेगा। लिविंग के बाद क्योंकि ये एल शेप का प्लेटफॉर्म है तो आपका डाइनिंग एरिया इस तरफ आ जाता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। डाइनिंग एरिया आप जैसे देख रहे हैं ये पूरा आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपने
इधर से एंट्री एग्जिट किचन का लिया, लेकिन अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपका डाइनिंग स्पेस थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे भी ये प्रेफरेंस आपका है, ये आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, मैं सिर्फ एडवांटेजेस बता रहा हूँ। तो ये आपका काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग टेबल है, आराम से यहाँ पे 6 सीटर आ सकता है। अब इसके लिविंग डाइनिंग किचन समझने के बाद इसके बचे हुए दोनों बेडरूम को समझते हैं। तो इस तरफ में इसका फर्स्ट बेडरूम है या किड्स बेडरूम है या कॉमन बेडरूम, और इस तरफ में इसका कॉमन वॉशरूम है, और मेरे पीछे मास्टर बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम है। तो इसका किड्स बेडरूम समझते हैं। अब जैसा देख रहे हो, फर्नीचर होने के बाद भी, कबर्ड होने के बाद भी स्पेस काफी अच्छा है, 10x10 का रूम साइज है, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्पेस हर तरफ से काफी अच्छा है। मैं बड़े फ्रीली यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। अब इसके दूसरे एडवांटेज को समझते हैं, मतलब इनके जो होम्स है इनका दूसरा एडवांटेज भी समझते हैं। इनका जैसे मैंने आपको बताया था बालकनी वॉल टू वॉल आपका डोर है, वैसे यहाँ पे विंडो आपका डोर टू डोर है। तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपका पूरा विंडो है। इससे होगा क्या, इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले सनलाइट का कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब योर हाउसेस विल बी वेरी वेल लिट। सेकेंडली आपको, क्योंकि विंडो पूरा 50% ओपन हो रहा है, तो आपको विंड का वेंटिलेशन का इशू नहीं रहेगा। प्लस यू ऑल्सो गेट अ फील ऑफ बालकनी, आपको ऐसा फील होगा कि आप बालकनी में खड़े हो। सो ये एक एडवांटेज मिलता है। प्लस नीचे का पार्ट जो है ये फिक्स रहने वाला है और ऊपर का मूव होता है, तो सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। अब इसके कॉमन वॉशरूम को देख लेते हैं। डिसेंट साइज है, काफी अच्छा साइज है, स्पेस क्रंच नहीं है। यूजली क्या होता है, दूसरे रूम साइजेस को बढ़ाने के लिए वॉशरूम में कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, बट ये डिसेंट साइज का है। एंड आपका जो सीपी फिटिंग्स है वो जैगवार और इक्विवेलेंट ब्रांड का रहने वाला है। आपका सैनिटरी फिटिंग भी आपका ब्रांडेड रहने वाला है, क्योंकि बिल्डर अच्छा है, ब्रांड बिल्डर है, तो आपको ये सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टाइल्स आपका एज इट इज एंटी स्किड रहने वाला है। वॉल जो टाइल्स है ये आपका एज इट इज फुल हाइट तक, फुल हाइट की रहने वाली है। सेम और सिमिलर आपको टाइल्स मिलेगी। अब इसके मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड दिस इज 13.5x10 का मास्टर बेडरूम है, जो कि काफी अच्छा है। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, किंग साइज ऑफ बेड, स्टिल यू हैव गुड फ्री स्पेस ऑल अराउंड, जैसा वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि काफी अच्छा स्पेस हर तरफ में है। विंडो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले रूम में आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वॉशरूम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट हम इसको एक साइज समझने के लिए इसको वीडियो में देखेंगे। तो वॉशरूम का साइज भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, डिसेंट है, काफी अच्छा साइज है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ भी वेस्टेज नहीं है। 765 कारपेट के हिसाब से काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है। यूजली क्या होता है, 765 में रूम साइजेस बड़े छोटे मिलते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। फ्लैट वीडियो में देखना अलग चीज है, सामने से देखना अलग चीज है। इसको सामने से जरूर आकर के देखिए, विजिट के लिए आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 765 कारपेट जिसका हमने सैंपल फ्लैट देखा, और 788 कारपेट का डिफरेंस बता देता हूँ। 750 कारपेट में आपका लॉबी स्पेस हाफ हो जाता है, तो 15 square feet आपका वहाँ बच जाता है, जिससे प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बाकी पूरा घर आपका एज इट इज रहने वाला है। 788 कारपेट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपका लिविंग रूम 16x10.5 की जगह 17.5x10.5, तो आपका लिविंग रूम बढ़ रहा है, बाकी सब कुछ आपका एज इट इज होने वाला है। फ्लोर प्लान काफी अच्छा है, यानी आपको घर काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि बिल्डर अच्छा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रोजेक्ट भी बहुत खूबसूरत है। तो एक बार इसको जरूर विजिट करें, इसको डिटेल में जरूर समझें। वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फ्लैट पसंद आता है तो इंक्वायरी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।